सैफ आसरे। आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे क्या था ये प्रोग्राम? दरअसल हम लोगों ने रमज़ान परिचय के नाम से किया था, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है उनके लिए, कि उनको भी पता चले कि रमज़ान क्या है, हम लोग क्यों रमज़ान मनाते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, इबादत कैसे करते हैं, क्या कुछ करते हैं रमज़ान के महीने में, और आम दिनों में नमाज कैसे पढ़ते हैं। मस्जिद के अंदर वो उनको आके देखने के लिए मौका मिले, इसलिए हम ये प्रोग्राम किए। क्या बताया हम लोगों ने उन्हें? पहली चीज़ तो इस्लाम जो है उसका नज़रिया क्या है वो बताया, कि भाई जो है एक ही खुदा है, उसी ने सबको बनाया, और एक इंसान से जो है वो सारे ये एक इंसान की जो है औलाद है, आदम जिसे हम कहते हैं, ये बताया। उसके बाद उनको मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए हम क्या दुआ पढ़ते हैं, वज़ू किस तरह करते हैं ये बताया हमने, फिर अज़ान क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, उसका मतलब क्या है ये उन्हें बताए, और पहले अज़ान कैसे शुरू हुई, अज़ान किस तरह जो है वो बड़ों छोटों को ये सब बड़ाई मिटाकर एक समान सबको करती है, ये चीज़ बताएं। उसके बाद उन्हें जो है वो नमाज बताएं कि नमाज किस तरह हम पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब बताया हम लोगों ने उन्हें। और उसके बाद आखिर में उन्हें जो है यहाँ बैठ कर खुद जो है लाइव नमाज देखने का मौका दिए, कि वो बैठे और मगरिब के नमाज के वक्त उन्होंने देखे कि जो मौलाना ने अज़ान दी, लोग खुद ब खुद कैसे मस्जिद की तरफ चले आए, यहाँ पर जो मगरिब की नमाज हुई जमात के साथ, उन्होंने अपनी अच्छी तरह खुद देखा, ये सब चीज़ें हमने उनको दिखाई। आगे और भी चलेगा तो उनको बुलाएंगे आप? हाँ, हम ये मुसलसल चला रहे हैं प्रोग्राम्स, कभी जो है मस्जिद परिचय के नाम से, अभी ये रमज़ान था तो रमज़ान परिचय के नाम से, ये हम मुसलसल बुलाते हैं, कोई भी कहीं पर भी मतलब देखना चाहता है, अपने दोस्तों को जो है वो लाना चाहता है तो ला सकता है, कोई कंपनी के वर्कर्स है साथ में काम करने वाले 8-10 लोग मिलकर आके देखना चाहते तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स है वो देखना चाहते वो भी हमसे कांटेक्ट, इस तरह कोई भी हो जो मस्जिद के अंदर आके गैर मुस्लिम भाई हमारे और बहनें भी इवन देखना चाहती है तो आ सकती है, आकर जो है वो हम यहाँ पर 2-3 घंटे के अंदर हम ये सब चीज़ें उनको बताएंगे अंदर बाकायदा प्रैक्टिकल, कोई भी आ सकते हैं। कितने लोग आए हैं? हमारा ये चौथा प्रोग्राम है अभी, इससे पहले जो है वो तीनों प्रोग्राम में जो है मुख्तलिफ टीम्स आई, कभी रिपोर्टर्स आए, कभी जो है कोई और डिपार्टमेंट्स के लोग आए, इस तरह अलग अलग आए, और ये तादाद के लिहाज से तो 50-60 लोग हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों ने जो है 2 प्रोग्राम्स किए जो 600 लोगों के लिए था, और म्यूनसिपल्टी वर्कर्स जो है इस शहर के अंदर उनके लिए था, उनको भी जो है, लेकिन वो मस्जिद में नहीं था, हॉल में की। तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, कोई इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है मुसलमानों को, तो वो आ सकता है और अपने जहन के अंदर के सवाल जो है हमारे सामने रख सकता है, हम जो है वो सही बातें उन्हें बताते हैं। हाँ, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी थी मेरे इसमें कि एज इन मस्जिद में होता क्या है एग्जैक्टली, और कैसे होता है वर्शिपिंग जो है, कैसे वर्शिप करते हैं, और कल्चर ट्रेडिशन ये सब, क्योंकि ये सब जो है ये क्लोज्ड सर्कल में रखा गया था, तो अभी एक इनविटेशन मिला तो एक्सप्लोर करने के लिए आ गया हूँ मैं यहाँ। मेरा खुद का स्टार्टअप है और मेरा 10 साल के ऊपर IT इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस है। नमाज मैंने ऑब्जर्व किया एंड वर्सेस जो है मतलब जैसे कि लोग आते गए, मतलब जिस तादाद से लोग आ रहे थे उस हिसाब से मतलब रिलीजन का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एक तरीके से। हाँ, इफ्तारी जो था वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि सब साथ मिलकर बैठकर भाईचारे के साथ में इफ्तारी किया। नीलेश उपरीकर, कल्याण, फ्रॉम कल्याण। जैसे इस्लामिक रिलीजन है वो उसको उसकी जानकारी पाने के लिए, तो
मेरे दोस्त थे मतलब भाई, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा होता है, तो उनके रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया। क्या क्या सीखा है? मैंने मस्जिद का इंट्रोडक्शन, उसमें नमाज कैसी होती है, कितने टाइप की नमाज रहती है और उनके टाइमिंग्स, और अभी फ़िलहाल तो रमज़ान चालू है, रमज़ान मतलब रोज़ा कैसे छोड़ते हैं, कैसे एक साथ बैठ के ये करते हैं, वो सब जानकारी। या यस, वो बहुत अच्छा लगा, फील अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि बया बोल नहीं सकते। यही कि जो अफवाह फैलाते हैं इस्लाम रिलीजन के बारे में, वो मत फैलाओ, जो है रिलीजन वही सच है, उसके साथ अमल करो। इसमें इसका मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ बरसों से रह रहे हैं, उठते बैठते, और रमज़ान के ताल्लुक से उनके जहनों में बड़े सवालात होते हैं, तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ये चीज़ वाज़े करना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक एक्चुअली है क्या, और इसमें अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसान का दीनी, इखलाकी और रूहानी तरबियत का कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया है। तो हम चाह रहे थे कि सिर्फ बातों से नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेट करके उनको बताएं, वो आके क्लोजली देखें कि लोग किस तरह से नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हैं, किस तरह से मिलजुल के इफ्तार कर रहे हैं, और कैसी मोहब्बत है और कैसा अहतमाम है, तो ये इसमें वो शामिल हो प्रैक्टिकली, तो उससे एक भाईचारा भी बढ़ेगा और इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर आएगी कि ये एक ऐसा कुदरती निज़ाम है जो अल्लाह ने रखा है कि जिसके ज़रिए इंसान की हर तरह से तरबियत होती है, और वो 11 महीने फिर बाकी ज़िंदगी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये इसका मेन मकसद था। जी, हमने ये नोटिफिकेशन पेपरों में भी आई, न्यूज़ में भी आई, तो लोगों ने सामने से फ़ोन करके हमसे पूछा, और उन्होंने बाकायदा अपनी सीट बुक की, अपॉइंटमेंट बुक की या रजिस्टर किया हमारे व्हाट्सएप की और फेसबुक के ग्रुप्स के ऊपर से भी कई लोग मुतासिर होकर इसमें तशरीफ लाए, और वाकई उन्होंने बहुत इसको एंजॉय किया, बहुत अच्छा उनको लगा। तो कितने लोग आए? इसके पहले हम मस्जिद परिचय कर चुके थे, उसके अंदर मेरे ख्याल से 15 से ज़ायद कुछ लोग थे, 2 मरतबा वो प्रोग्राम हुआ, और इसमें भी 10 के आसपास लोग आए हैं अभी, और इसमें जर्नलिस्ट भी थे और अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग थे, और उन्होंने बिल्कुल बिला झिझक बहुत सारे सवालात किए, तो हमने एक ओपन माहौल यहाँ पर रखा कि लोगों के जहन में कुछ भी छोटी या बड़ी कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो उसका इत्मीनान बख्श जवाब दे सके। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कॉन्टेक्ट करने के लिए हमने नंबर भी शेयर किया है, हमारा फेसबुक पेज है, और JIH मुमरा जी, तो यहाँ पर लोग रेगुलर विज़िट करते हैं, कुछ नंबर्स हमने शेयर कर रखे हैं माशाल्लाह, और हमारे परवेज़ साहब है मीडिया इंचार्ज, उनका नंबर तो रहता ही है, तो वो डायरेक्ट लोग कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू।